संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत 25 जनवरी को देश भर में रिलीज हो गई। भले ही फिल्म का देश में काफी विरोध हो रहा हो, लेकिन विदेश में फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया है। काफी विरोध के बाद भी पद्मावत बॉक्स ऑफिस पर तेजी से आगे बढ़ रही है और ओवरसीज भी अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म ने ओवरसीज 2 दिन में अच्छी कमाई की है। इतना ही नहीं, फिल्म के पहले और दूसरे दिन के ओवरसीज कलेक्शन ने बाहुबली 2 और दंगल को भी पीछे छोड़ दिया है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में इस फिल्म ने 1.88 करोड़ रुपए, न्यूजीलैंड में 29.99 लाख रुपए और यूके में प्रीव्यू स्क्रीनिंग के दौरान इस फिल्म ने 88.08 लाख की कमाई की है। आपको बता दें कि फिल्म पद्मावत ने जहां कुल 2.33 करोड़ से शुरुआत की है, वही SS राजामौली की फिल्म बाहुबली 2 ने 1.34 करोड़ रुपए की कमाई की थी और आमिर खान की फिल्म दंगल ने पहले दिन 1.57 करोड़ रुपए की कमाई की थी। आपको बता दें कि फिल्म ने रविवार को ताबड़तोड़ कमाई करते हुए 100 करोड़ के क्लब में जगह बना ली है। रविवार को फिल्म ने टिकट खिड़की पर 31 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। इस तरह फिल्म ने करीब 114 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। लंबे विवाद के बाद रिलीज हुई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाना शुरू कर दिया है। करनी सेना और राजपूत संगठनों के विरोध के बाद भी दर्शक फिल्म देखने सिनेमा घरों तक पहुंच रहे हैं। वहीं फिल्म ने अपने शुरुआती दिनों में टिकट खिड़की पर भी अच्छी कमाई करनी शुरू कर दी है। टीम इंडलिंक्स।